क्या आपने ये हिंगास्टर की वीडियो देखी है देखिए कितना जूसी है कितना रसीला है वो भी बिना एक बूंद तेल के और बिना धूप के तो जाइए जल्दी से मेरी वीडियो ये वीडियो देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है या फिर आई बटन पे भी होगा तो आज मैं इसी आम की गुठली से बनाने वाली हूँ गुठली की दाल वो भी बहुत ही टेस्टी बहुत ही रसीले जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए देख लेते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए राधे राधे दर्शकों मैं हूँ खुशबू कनौजिया आप देख रहे हैं घर का जायका विथ खुशबू तो गुठली की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक गिलास पानी लूँगी और उसी के साथ ऐड करूँगी यहाँ पर एक कप तुअर दाल यानी राहर की दाल जिसे मैंने अच्छी तरह से पॉस कर लिया है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी साथ ही ऐड कर दूँगी एक कटा हुआ प्याज जो कि स्लाइस में कट किया हुआ है और उसी के साथ ऐड कर दूँगी हरी मिर्च और एक सूखी लाल मिर्च अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हो और भी ज़्यादा साथ ही ऐड कर दूँगी तेज़ और उसी के साथ ऐड करूंगी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का भी यूज़ किया जो कि जिसका भी फ्लेवर आएगा फिर उसी के साथ ऐड कर दूंगी लहसुन का पेस्ट और साथ में ऐड कर दूंगी सबसे जरूरी इंग्रीडियंट्स वो है नमक और उसी के साथ ऐड कर दूंगी यहाँ पर गुठली और जल्दी दाल पकने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करी हूं थोड़े से तेल और फिर इसे लीड बंद कर कर इसे तीन सीटी आने तक मैं कुक करूँगी पहली सीटी तेज आँच पर और बाकी दो सीटी मैं ऐड करूँगी यहाँ पर धीमी आँच पर तो यहाँ पर सीटी लग चुकी है और इसे ठंडा होने देंगे जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब हम इसका लीड हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये गुठली वाली दाल कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है और ये थोड़ी गाढ़ी हुई है अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से खाना तो आप इतनी गाढ़ी का दाल खा सकते हैं लेकिन मैं इतनी गाढ़ी दाल मेरे घर में नहीं बनती तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी तो उसे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर एक गर्म पानी ली हूँ और ये ध्यान रखिएगा जब भी आप दाल बनाए तो यूज कीजिए गर्म पानी ही या फिर थोड़ा हल्का गर्म पानी बट ठंडा पानी कभी मत डालिएगा दाल में नहीं तो वो बेस्वाद लगता है तो यहाँ पर ये गर्म हो चुका है अब मैं इसे दाल में ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से तो यहाँ पर गुठली वाली दाल अच्छी तरह से सेटेंसटी हो चुकी है मतलब कि दाल गाढ़ी हो चुकी है और अच्छी भी लग रही है अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया घी जब गर्म हो जाए तब तो मैं इसमें बटर ऐड कर दूँगी गैस ऑफ कर कर नहीं तो बटर आपका जलने लगेगा फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक तेजपत्ता एक सूखी लाल मिर्च थोड़ी सी जीरे जब जीरे खुशबू आने लगे तो मैं यहाँ पर गैस को बंद कर कर ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च और ठंडा भी होने देंगे हल्का सा नहीं तो मिर्च भी जल जाएगी तो यहाँ पर ये सारी चीज़ को मिक्स करके मैं ऐड कर दूँगी दाल में और थोड़े से बचा के रखूँगी ताकि मैं इसका थोड़ा सा गार्निशिंग भी कर सकूँ क्योंकि जब अच्छा खाना दिखता है तो लोग लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि खाने से पहले लोग उसे देखते हैं और फिर उसे सूंघते हैं तब उसे खाते हैं तो ये इसका तो सूंघने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना टेस्टी ही है तो यहाँ पर मैंने इसे एक वॉल में निकाल लिया है इसे आप ऐसे भी खा सकते हो लेकिन आप इसे चावल के साथ खाओ बहुत ही टेस्टी लगेगा तो यहाँ पर ही मैंने दाल को सारे बॉयल में निकाल लिया है अब इसे थोड़ा सा मैं गार्निशिंग कर दूँगी वही तड़के वाले तेल के साथ यानी घी के साथ तो देखिए मैंने इसे तड़का लगा दिया है थोड़े से और थोड़े से गार्निशिंग भी कर दिए देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना तो यहाँ पर ये रेडी है थोड़ा सा इसमें ऊपर से ऐड कर दूँगी बटर क्योंकि बटर के बिना ये बिल्कुल अधूरा है अगर आपके पास नहीं है तो आप एडजस्ट कर सकते हो तो यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है तो अगर वीडियो एक परसेंट भी अच्छी लगी हो तो जाइए इसे लाइक कर दीजिए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है फ्री है फ्री है मुझे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ एक अतरंगी रेसिपी के साथ कहाँ अपने इसी चैनल घर का जाएगा विद खुशबू में जब तक खुश रहिए खुशियाँ बांटते रहिए आसपास सफाई बनाए रखिए और पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद